डोंबिवली में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक बाइक सवार पर पैदल चलकर जा रहे व्यक्ति ने थूक दिया। विरोध करने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कुछ ही पलों में कहासुनी मारपीट पे बदल गई। मारपीट बाइक सवार नीचे गिरा और उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। डोंबिवली राजू नगर इलाके में बाइक सवार की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। आरोपी कैफ जावेद खान 19 वर्ष के खिलाफ विष्णुनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक व्यक्ति का नाम विजय पटुआ है जिसकी उम्र 52 वर्षीय है। कल दोपहर डोंबिवली पश्चिम के राजू नगर इलाके में दो पहिया वाहन से जा रहे विजय पटवा पर पैदल जा रहे कैफ खान ने थूक दिया। विजय पटवा ने कैफ पर थूकने पर सवाल किया। इस पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और कुछ ही देर में कहासुनी मारपीट में बदल गई। कैफ खान ने विजय को बेरहमी से लात घूंसों से पीटा। लात घूंसों से विजय बेहोश होकर गिर पड़ा। मारपीट में विजय पटवा गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान विजय की मौत हो गई। यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। कैफ खान के खिलाफ विष्णुनगर थाने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कैफ को जब कल्याण कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामूली बात को लेकर हुए विवाद में हुई हत्या से डोंबिवली में हड़कंप मच गया है। नवापाड़ा भागामध्ये यातील आरोपी कैफ खान हा पायी चालत असताना तिथे ज्या यातील मयत विजय पटवा वय 52 वर्षे हे बाईकवरून चाललेले असताना आरोपी याने थुंकल्यामुळे थुंकलेल्या अंगावरून त्यातून वाद झाला आणि त्यातून शिवीगाळ होऊन त्याचं रूपांतर मारामारीमध्ये झालं। सदर मारामारीमध्ये विजय पटवा यांचा मृत्यू झाल्यामुळे नमूदचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। आरोपी अटक करण्यात आले त्या अनुषंगाने पुढील तपास आम्ही करत आहोत। आपल्याला 2 दिवसाची पोलीस कोठडी न्यायालयाने